Good afternoon, class 3. Please take out your English literature, everyone. So we just finished our 9th chapter, The Lost Camel. We did everything regarding this chapter. Tick mark, fill in the blanks. Who said the following question answers, right? So we did all from this chapter. So today we're gonna do is a revision work. Okay, for that, what I told you to learn for that for your half yearly exam from English to Beauty of Flowers, right? So we'll do revision work from Beauty of Flowers. Okay, from our 7th chapter, Beauty of Flowers. So there are different kind of flowers in this world, like for example marigold, rose, and sunflower, lotus, jasmine, orchid, so many flowers. Okay, so we did craft from this chapter. We made a sunflower, right, with a paper. So there are so many flowers in this world with different color and as well as different smell. So we'll start our seventh chapter revision work, Beauty of Flowers. Okay, first we'll do an introduction. It is described in this poem about flowers. So we'll learn about different type of a flower, okay, in this poem. And their presence in heaven, how are they useful? So how they are useful, what kind of a how many types of flowers, okay, we will learn in this poem. Though the poet name is not mentioned in this poem. Okay, so जो लेखक है इस कविता का, जो लेखक होते हैं उसका नाम नहीं दिया है. तो बहुत सारे फूल वगैरह with colors and smell हम पाते हैं, है ना. alright, nothing like flowers in color or smell. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं और स्मेल भी होते हैं. ओके, ऐसा कोई भी फ्लावर से अच्छा और कोई भी चीज नहीं होता है. देयर प्रेजेंस इन हेवन एंड एब्सेंस इन हेल. अभी हेवन का मतलब क्या है? स्वर्ग. ठीक है, स्वर्ग. तो their presence, स्वर्ग में बहुत सारे फूल वगैरह होते हैं, लेकिन नरक में तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नरक में फूल नहीं है. Toil and worries disheartened your trend. जो चिंता होते हैं, ठीक है, तकलीफ होते हैं, वो आपको क्या बनाती है? निराश बनाता है, है ना. चिंता होता है तो आप लोग, टेंशन होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? टेंशन हो जाते हैं ना. यू वरीड, राइट. इट इज फ्लावर्स अगेन विच सर्व्स यू एज अ फ्रेंड. तो उस समय क्या होता है, अगर किसी ने आपको फूल दे दिया तो क्या हो जाता है? आपका मूड फिर से सही हो जाता है. वो ही एक फूल एक फ्रेंड है. ओके, एक फ्लावर इज कंसिडर एज अ फ्रेंड इन दिस पोएम. ओके, ये जो कविता है इसमें एक फूल एक साथी का रोल प्ले कर रहे हैं. अंडरस्टूड? थंडर एंड स्टॉर्म इन द सन एंड द रेन. जब धूप लगता है, ओके, एंड द रेन बारिश होती है, थंडर बिजली वो चमकते हैं ना, और ऐसे वेदर अच्छा नहीं होता है तो
तब भी दे स्माइल फॉर एवर एज इफ दे वेर इन नो पेन। उस समय भी फ्लावर क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। ओके, यानी कि उसके पास है वो जो रेन होते हैं, जो बारिश होते हैं, समटाइम्स कितना डरावना होते हैं, है ना, लेकिन तब भी फ्लावर्स क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। ओके, सो बहुत सारे दुख होते हैं तब भी वो फ्लावर्स वगैरह क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। देयर जेस्चर्स एंड फ्रेग्रेंस आर सिंपल फॉर यू। देयर जेस्चर मीन्स जो वो दिखते हैं, फूल कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, है ना, ये फूल हो गया, लीव्स वगैरह हो गया, और ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, है ना। सो जेस्चर ये दिखना, देखने में, और फ्रेग्रेंस जो स्मेल आता है वो सिंपल होता है, ऐसा कोई बहुत खास नहीं होता है, लेकिन सिंपल होता है हमारे लिए। डिलीवर द गुड्स दे गिव अस दिस क्लू। सो सिंपल होते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो स्मेल करने में बहुत क्या होते हैं, अच्छा होता है। फ्रेंड्स ऑफ द बीज दे आर सोर्स ऑफ हनी। सो फ्लावर्स किसका दोस्त भी है, बीज। ओके, जो बीज होते हैं वो जो फ्लावर है वो बीज का भी फ्रेंड है। ओके, फ्रेंड है, और ये जो बीज है, बीज वो उड़कर कहाँ जाते हैं, फ्लावर में, और फ्लावर का जो रस होता है वो चूस लेता है, और वहाँ से ही बीज क्या करते हैं, हनी देता है। ओके, वेल केप्ट एंड प्लांट दे फैच यू मनी। तो क्या होता है कि जब ये हनी देता है, हनी को हम क्या कहते हैं, एक बॉटल में लेते हैं, तो ये बॉटल में लेने से हम सेल करते हैं, बेचते हैं, वो हनी को बेचते हैं, है ना। तो वो जब हम सेल करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, तो जब हम हनी उसको हम बेचते हैं तो हमें उसके पैसे मिलते हैं, है ना। तो वेल कीप्ड एंड प्लांट, जब वो बीज हनी देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बॉटल में डालते हैं, एक साफ़ सुथरा बॉटल में डालते हैं, और हम उसको मार्केट में देते हैं, मार्केट के लोग उसको बेचते हैं, और फिर क्या आता है, पैसा आता है, है ना। ओके, इन फील्ड्स और फॉरेस्ट, एट होम और एट स्कूल, जहीं पर भी। ओके, ये फूल एकदम ब्यूटीफुल होते हैं, एकदम से हमारा साथी जैसे होते हैं, फ्रेंड जैसे होते हैं, जहाँ भी देखो फील्ड में। ओके, जहाँ भी देखो, फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, स्कूल में हो, घर में हो, या जहाँ भी ग्राउंड में हो, ओके, हम फ्लावर को देखते हैं। ओके, दे मेक द एटमॉस्फेयर सो प्लीजेंट एंड कूल। सो जब हम फ्लावर्स को देखते हैं हमारे घर के आगे, स्कूल के आगे, है ना, जब हम देखते हैं वो फ्लावर को, जब हम देखते हैं, जब हम उसको केयर करते हैं, तो एकदम से वहाँ का वातावरण भी क्या होते हैं, एकदम से अच्छा और कूल होते हैं, प्लीजेंट। ओके, प्लीजेंट का मतलब क्या है, ग्रैटिफाइंग एंड डिलाइटफुल, एकदम से शांति। ओके, एंड कूल होते हैं, अंडरस्टूड। सो फ्लावर्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। ओके, इट गिव्स अस कूलनेस, प्लीजेंटनेस, एंड इट ऑल्सो समटाइम्स गुड टू टेक केयर अबाउट द फ्लावर्स। ओके, इट गिव्स अस स्माइल, अंडरस्टूड, इट गिव्स अस गुड एटमोसफियर।
Understood? So, okay. So, here we finish our revision work from chapter 7, Beauty of Flowers. आपको exam के लिए सब fill in the blanks, true and false, question answers, opposite meaning सभी पढ़ना है, ठीक है? जितना भी मैंने दिया है, okay, जितना भी मैंने हमने क्लास में किया है, ये ऑनलाइन क्लास में, वो सब आपको घर पर पढ़ना है, ठीक है? Oh, till then, goodbye everyone.